मुरादाबाद के काठोड स्थित आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगातार विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिभाशाली स्कॉलरशिप परीक्षा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद जनपद के सभी स्कूलों के बच्चे और आकाश इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं नवंबर में होने वाली इस परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के साथ विद्यार्थियों के परिजनों के साथ एक विदेशी टूर भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे जीके वेलम्स स्कूल के डॉक्टर एमएम शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आकाश इंस्टीट्यूट एक ऐसा नाम है जिसने हमेशा विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा, गैलेक्सी होती है, देखा है आपने, गैलेक्सी कहाँ होती है, सितारे कहाँ होते हैं, बस आप ये सब सितारे बैठे हैं यहाँ पर मेरे सामने, और एक दिन आएगा कि आप जो है वास्तव में अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के सितारे बन करके इस देश की सेवा करेंगे और इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, चाहे आप मेडिकल के फील्ड में जाएं, चाहे आप सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाएं, जहां भी जाएंगे निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में पहुंचे एरेना एनिमेशन के डायरेक्टर संजय धवन ने पहुंचकर अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मुरादाबाद शहर आगे बढ़ा है, विद्यार्थियों को उनके सपनों को सच करने के लिए आकाश एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है। सबके सबके नंबर आते हैं। अब मैथ हर एक को अच्छी नहीं लगती, साइंस हर एक को अच्छी नहीं लगती, होता ऐसा नहीं? तो जब आप 12th कर लेते हैं तो आपके सामने एक सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप जितने भी अच्छे नंबर वाले हैं, मैं समझता हूँ सब मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है, चुना हुआ है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। प्लेटफॉर्म आपको शानदार मिला हुआ है। दुनिया में एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, चंदौसी से, और 96 में मैंने मुरादाबाद में पहला कदम रखा था यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर 25 साल हो जाएंगे। तो एक बात जो समझ में आई, वो सबसे बड़ी चीज थी ब्रांड, और जिसमें आप बैठे हैं, मैम ने भी बताया कि आकाश और बाकी सब, देखिए जो ब्रांड होता है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे वो लोग होते हैं, वो सिर्फ मुरादाबाद के हिसाब से आपकी पढ़ाई नहीं तैयार कराते हैं, वो आपको पूरे इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड वाइज के हिसाब से आपके लिए सिलेक्शंस करते हैं, वर्क करते हैं, आपकी क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और अब इन सब के बीच में जब आप आकाश में हैं, तो ये बात आप लिख के रख लीजिए कि आपके पास बेस्ट क्वालिटी है। कार्यक्रम में एआरटीओ छवि चौहान के साथ आकाश इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक एवं बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट के विवेक शर्मा का ये कहना है कि उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनके माता पिता के सपनों को पूरा करें। आकाश ने कौन सी परीक्षा के लिए आज ये शुरुआत की है, क्या है पूरा? ये आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 के लिए हम लोग आज लॉन्चिंग किया है। पूरे इंडिया में 250 सेंटर है, उसमें एक समय में लॉन्चिंग हुआ है, केक सेरेमनी, और बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हुए इनको KGMC मिला, और जो यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए वो बच्चे आए, उनके पेरेंट आए, और वो इस एग्जाम के थ्रू पास करके आज यहाँ पहुँचे, इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसमें बच्चा आयुष दावत है, उसको IIT दिल्ली मिला, वो भी 4 साल पहले 8वीं से यहाँ पढ़ाई किया था और एंथे में उसने टॉप किया था, और उसको 12th करते करते निकाल गया, उसने IIT दिल्ली मिला और टॉप किया। अच्छा, जो बच्चे परीक्षा में भाग लेंगे उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? इस बच्चों को में जो हम लोगों के बाकी आकाश में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए एग्जाम एंथे होता है, आकाश नेशनल टैलेंट एग्जाम, इसे पूरे इंडिया में जो टॉप 5 बच्चे हैं उनको पेरेंट के साथ नासा की ट्रिप होगी, और लास्ट ईयर भी जो बच्चे टॉप किए थे 5 बच्चे उनको भेजा गया था नासा आकाश की तरफ से, और नासा बच्चे गए थे। अभी भी इस बार भी जो बच्चे टॉप 5 आएंगे उनको अपने पेरेंट के साथ नासा जाएंगे, और उसके साथ स्कॉलरशिप टेस्ट 100% स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, जिसमें जो गरीब बच्चे या कोई बच्चा ऐसा है कि वो अपना जो है बेस्ट कर सकता है, तो उसको आकाश 20 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दे करके फ्री पाता है। अच्छा, आपके मुरादाबाद से कितने बच्चे बैठने वाले हैं इस परीक्षा में? मुरादाबाद से लास्ट ईयर हमारे यहाँ लगभग 8,000 बच्चे बैठे थे, और अब की हमारा टारगेट है 10,000 के आसपास बच्चे बैठे।
तो इसमें इस परीक्षा में कौन भाग लेगा, मगर आपके इंस्टीट्यूट के होंगे या फिर अदर? इसमें पूरे स्कूल्स के मंडल के जितने भी स्कूल्स हैं सारे बच्चे भाग लेंगे और एग्जाम देंगे, और जो बच्चे टॉप आएंगे उनको उसी हिसाब से स्कॉलरशिप दिया। कब होने वाली है परीक्षा? ये परीक्षा नवंबर में होगी।